ये तो मुस्लिम ने अपने ऊपर जुल्म किया। वल्लाह अगर रसूल खुदा के बताए हुए प्लान पे मुसलमान चलते, आज पूरी कायनात में इस्लाम का नारा बुलंद होता, अलम इस्लाम बुलंद होता, उन नेमतों में आप माला माल होते। हदीस के जुमले हैं, जब इमाम जमाना का जहूर होगा, फरमाते एक खातून को कूफे में उसके पूरे बदन पे सोना पहनाया जाए और वो कूफे से चले शहर शहर से गुजरती जाए, कोई भी बंदा ना उस औरत को देखेगा ना उसके बदन से सोना उतारेगा। फरमाते हैं सोना लेकर, जवाहिर लेकर, माल और दौलत लेकर लोग गलियों में घूमेंगे, है कोई ज़कात लेने वाला, है कोई खैरात लेने वाला, कोई नहीं होगा खैरात लेने वाला। ऐसा निजाम इमाम जमाना लाकर खड़ा कर देंगे। ये निजाम कब नाफिज होना था? जब रसूल खुदा दुनिया से गए। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर तुझे तरबियत लेनी है या रसूल से लेनी है या अली से लेनी है। जो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है वो तेरी तरबियत क्या करेगा? जिसके अंदर खुद अखलाक नहीं है वो तुझे अखलाक क्या सिखाएगा? फरमाया मैं खुल्क अजीम पे फायज हूं और हू बहू या अली, लहम का लहमी, जिस्म का जिस्मी, रूह का रूही, नूर का नूरी। बस फर्क यह है कि नहूला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन इस उम्मत की अगर तरबियत करनी है किसने? अली इब्न अबी तालिब ने। सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ कि लोगों ने अली को हुकूमत नहीं दी। अगर मौला को हुकूमत देते कि मौला फरमाते एक जमाना आएगा लोग इस पानी से रोशनी बनाएंगे, जो आसमान के रास्ते, जमीन जमीन के आसमान के रास्ते जाने, इतना इल्म अली इब्न अबी तालिब के पास। ये मैथमेटिक के, ये जितने भी छठे इमाम के आप शागिर्द तो देखें, हर इल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास था क्योंकि परवरदिगार आलम ने दिया था। अगर उम्मत अहले बैत को हुकूमत पे आने देती, आज आपके बच्चे सुकून से जिंदगी जीते, आज हम नेमतों में माला माल होते। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि खुदा इमाम जमाना को भेजेगा, हाँ? और जो उसका इंतजार करते हैं इंशाल्लाह उस निजाम में शरीक होंगे, वो दर्जात मिलेंगे। रसूल खुदा की हदीस है, फरमाते आखिरी जमाने में मेरे आखिरी बेटे का जो सही इंतजार करेंगे, एक है इंतजार, एक है सही इंतजार, एक है नमाज, एक है सही नमाज, एक है मजलिस, एक है सही मजलिस। सही मजलिस का मतलब क्या है? एक मरतबा आदमी घर से उठा सीधा मजलिस में आ गया, तकद्दुस से मजलिस नहीं है ये। अपनी नौकरी के, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो ऐसे ही चले जाते हो? नहीं, पहले कंघी बंदा करता है, अच्छे कपड़े बंदा पहनता है, तैयार होके। क्यों? क्योंकि लालच है जॉब मिलेगी। तो यहां कोई लालच नहीं है तुझे दीन मिलेगा, यहां लालच नहीं है हुसैन की एक निगाह मिलेगी, सैयदा की रजा मिलेगी, हाँ जन्नत मिलेगी, आखिरत मिलेगी। ऐसा ही उठ के चला आता है मजलिस में, साफ सुथरे कपड़े पहन के आया कर, बावजू होकर आया करो। मजलिस के बाद जाकर दो रकत नमाज इमाम हुसैन या दो रकत नमाज शुक्राना पढ़ा करो, ए खुदा तूने जिंदगी तो दी, मैंने जाके एक घंटा इमाम हुसैन की मजलिस में गुजारा, तूने इतना रिज्क मुझे अता किया कि दुनिया दर बदर भटक रही है लेकिन तूने मुझे नौकरे दरे हुसैन बनाया, हाँ ये नेमत खुदा दे रहा है। तो उस अदब के साथ आके बैठा करो, क्योंकि इस महफिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम आते हैं, वो नियत करके आया करो, ये अदब महफिल है। फरमाया जो सही से मेरे बेटे का इंतजार करता है, अज्र क्या मिलेगा तसव्वुर से बालातर। किसी ने कहा मौलाना ऐ काश हम रसूल खुदा के जमाने में होते, वो दर्जात हासिल करते जो उस जमाने के असहाब ने हासिल किए। रसूल ने कहा हम करीम आए, हम किसी को महरूम नहीं करते, अगर तू 1400 साल के बाद पैदा हुआ इसमें तेरा कसूर क्या है? मैं करीम हूं, मैं नेमत से महरूम नहीं करता। फरमाया जो सही तरीके से मेरे बेटे का इंतजार करते हैं, खुदा उन्हें असहाब बद्र शुहदाए ओहद का सवाब अता करेगा। यानी सही इंतजार करके जब दुनिया से जाओगे, लिखा जाएगा ये शहादत बदरी लेकर शहीद हुआ, ये असहाब ओहद का शहीद होने का मकाम लेकर दुनिया से चला गया। सही इंतजार, सही इंतजार का मतलब मैं आपके घर आया, आपने कहा मौलाना एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे घर में आने वाली है, अच्छा बहुत अजीम शख्सियत हमारे घर में आने वाली। मैंने कहा जरा घर तो दिखाइए। मैं आपके घर में आया, क्या देखा? कमरा मेला, दूसरे कमरे में देखा बिल्ली की निजासत। वही अच्छा साहब कोई बहुत अजीम शख्सियत, तारीख खाने वाने का बंदोबस्त तो किया होगा, आपके किचन में आया मेले बर्तन कुछ भी नहीं। मैं कहूंगा आपने सही से बंदोबस्त नहीं किया,
एक तरफ बोलते हो अजीम शख्सियत आने वाली है, दूसरी तरफ ये आलम तुमने किया हुआ है। इमाम ज़माना फरमाते हैं, आए मोमिन हम तुम्हारे घरों में आते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे घरों में निजासतें हैं हम दाखिल नहीं होते। किसी ने कहा मौला किन घरों में आते हैं, ये झोपड़ियों वाले घरों में, ये ईंटों वाले घरों में? फरमाया नहीं, हम इन घरों में नहीं आते, हमारा घर है मोमिन का दिल, हम इस दिल में जीते हैं। अगर आज इमाम नजर नहीं आ रहे तो क्या दिल में तो होने चाहिए ना? और जिस कल्ब में इमाम जमाना चला जाए वो जिस्म कभी गुनाह नहीं करता, कभी खता नहीं करता, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। पर मैं अगर तुम्हारे दिल में निजासत है, उस दिल में कभी फर्जंद जहरा आ नहीं सकता। अमन। तो खुलासा गुफ्तार ये कि इंसान की तारीफ ये है, इंसान एक ऐसा वजूद है जो तरबियत लेता है और जिसकी तरबियत की कोई हद नहीं है। यानी ये नहीं कि आपकी कैपेसिटी इतनी हो आप 1 क्लास पढ़ो, नहीं, 1 to 2, 3, 4 मैट्रिक इंटर बैचलर जितना पढ़ना चाहो आप अनलिमिटेड तरबियत पा सकते हो। तो हदफ जिंदगी है मैं कायनात में आके क्या लूं, तरबियत लूं, ना कि खाना लूं, ना कि अपना वक्त सिर्फ घूमने फिरने पे लगा दूं, वो भी करो लेकिन लिमिटेड, जितनी जिस्म की जरूरत है। जिस्म को ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर नराकी फरमाते हैं ये पेट तो किसी भी खाने से भर जाएगा, पेट कभी नहीं कहता मुझे मुर्गी दो मुझे गोश्त दो, इसे जो भी दो ये इसकी एक लिमिट ये भर जाता है। आंखों की एक लिमिट है, थक जाती है, घूम के भी इंसान थक जाता है, सुन सुन के भी इंसान थक जाता है, बैठ बैठ के भी इंसान थक जाता है। जिस्म को उतना ही दो जितनी जिस्म की जरूरत है। अपना वक्त उन चीजों में न लगाओ जो हैवानी है, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया, मकसद ये है तू ज्यादा से ज्यादा तरबियत रहे। कल मैंने कहा ना एक मोमेंट से मैंने पूछा क्या कर रहे हो, रिलैक्स, शिया रिलैक्स नहीं होता। उसने ये समझा मुझे जिंदगी का मकसद में पैसे का पैसे आ गए, सुकून से बैठा हुआ भाई। ये तो तुम गधे का काम करके बैठे हुए हो, गधा भी भूखा होता है फिर बाहर निकल जाता है, अब उसको वही चारा मिलता रहे, गधा कहेगा मैं फिर मेहनत क्यों करूं, गधा बैठा रहता है, ये तो गधे की तरह बैठे हुए। इंसान तरबियत लेता है, मतलब क्या, उत्लुबुल इल्मा मिनल महदे इलल्लाह, इल्म हासिल कर। तू डेली कितना पढ़ता है, कितनी किताबें पढ़ता है, डेली कितना इल्म हलवायत ले रहा है, जिस चीज की वजह से तू पैदा हुआ। आखिरत में दर्जा बंदी इसलिए नहीं होगी फला ऑफिसर था, फला करोड़पति था, फला गरीब था, नहीं, वहां इल्म के हिसाब से जिसकी अक्ल जितनी ज्यादा उसका दर्जा उतना बुलंद। अगर मौला अली अली हैं किस बुनियाद पे, इल्म की बुनियाद पे। अगर आप ये बोलते हो अली तमाम तरमा सिवाय रसूल खुदा अंबिया से अफजल है, किस बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पे, क्योंकि रसूल खुदा के दामाद हैं, इस बुनियाद पे, नहीं, क्योंकि अली का इल्म आदम से लेकर खातम तक जितने अंबिया आए उनसे ज्यादा था। बस अली अगर किसी के गुलाम हैं तो मुस्तफा के गुलाम हैं, क्योंकि अली ने इल्म कहां से लिया, लुआब रिसालत से लिया, रसूल के पास तमाम तरंबिया से ज्यादा इल्म था। तभी फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, क्योंकि जो कुछ रसूल के पास इल्म था वो कुछ किसको दिया, अली को दिया, और जो कुछ मौला अली को था वो इमाम हसन हुसैन और आखिर तक सबको इल्म दिया। तो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने दर्जा दिया। सैयदतुन निसाइल आलमीन क्यों बनी, क्योंकि सैयदा के पास इल्म था, रिसालत के घर में पली थी। सलमान सलमान क्यों बना, ईमान के 10वें दर्जे पर क्यों आया, क्योंकि सलमान के पास क्या था, इल्म था। आज क्यों आप अंग्रेजों के पीछे घूमते फिरते हो, नॉलेज आ गया ना उनके पास, इल्म आ गया ना उनके पास, टेक्नोलॉजी आ गई ना उनके पास। तो जहां इंसान इल्म देखता है वहां क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो अगर अली वाले हो तो आशिके इल्म बनो, आशिके माल न बनो। माल जरूरत है पर इल्म तुम्हारे रूह का एहतियाज है। इल्म होगा तो इंसान कहलाओगे, तहजीब होगी तो इंसान कहलाओगे, महजब बनोगे तो इंसान कहलाओगे। तो कौमें अगर तरक्की करती है इल्म से, कौन सा इल्म, हर इल्म नहीं, इल्म नाफे। मैंने शायद पहली मजलिस में कहा था दुनिया को तबाह किसने किया, जाहिलों ने, ये भी एक अलमिया है, आलिमों ने। इंसानों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया किसने किया, जाहिलों ने, आलिमों ने। भाई ये गाली है, ये मुकसर है, शिया को शिया से कौन लड़ा रहा है,
जिसे चार जुमले मिंबर पे बोलने आते हैं वही तो लड़ाता है ना। वो बेचारा जो मजमे में खड़ा है, मातमी है, आजादार है, ये कैसे लड़ाएगा? ये तो उसी को कॉपी करता है जो उसने सुना है ना। मौला हुसैन के कत्ल का फतवा जाहिल ने दिया था या आलिम ने? काजी शुरे ने। शियों की गर्दनें काटने का फतवा कौन देते हैं? ये मस्जिदों में बेचारे रोज नमाज पढ़ने वाले, ये ट्रक ड्राइवर, ये रिक्शे चलाने वाले नहीं, मुफ्ती मौलवी जो इल्म पढ़ते हैं। तो इल्म भी कौन सा हासिल करूं? इल्म नाफ़े, जो इल्म तेरे नफ्स की तहजीब करे। ये है गिलास, गिलास में है पानी, पानी इल्म है, गिलास वो ज़र्फ़ है जिसमें पानी आता है। आवाज आई, कद अफलह मन ज़क्का वकद ख़ाब मन दसा, कामयाब वो है जिसने तज़किया किया। पहले तहजीब नफ्स इख्तियार करो, फिर इसके अंदर इल्म डालो। अगर तू नजिस होगा, ये गिलास नजिस है, इसमें पाक से पाक आब जमजम भी डालो, पानी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। जिस बंदे में तहजीब नहीं, अल्लाह माल देगा, वो माल से क्या करेगा? शराब की बोतल लेगा, अय्याशी करेगा, नशा करेगा। 70% जो लोग मालदार होते हैं वो गुनाहों में क्यों पड़ते? क्योंकि उन्हें तहजीब नहीं है कि अल्लाह ने जो दिया है वो क्यों दिया, ये अमानत जो दी क्यों दी। लोगों को नहीं पता अल्लाह मुझे बेटा दे रहा है, बेटी दे रहा है, क्यों दे रहा है, पता ही नहीं है इसको। ये अल्लाह की अमानत है, इसकी तरबियत करनी है। इन्हीं बच्चों में से अकबर बनते हैं, इन्हीं बच्चों में से हजरत अब्बास की सीरत वाले बच्चे बनते हैं। अगर तू तरबियत नहीं करेगा, ये बच्चा कयामत में बाप का गरेबान पकड़ेगा। बाबा तूने कॉलेज का रास्ता दिखाया, तूने यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाया, लेकिन तूने मुझे सिरात मुस्तकीम का रास्ता नहीं दिखाया। तूने माल कमाना सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया अपनी रूह को कैसे बचाना है, आखिरत को कैसे बनाना है, अल्लाह को राजी कैसे करना है। तूने ये तो बताया ऑफिसर को, टीचर को, दोस्त को, दुनिया को राजी कैसे करना है, लेकिन तूने ये नहीं बताया खुदा को राजी कैसे करना है। वो तहजीब का इल्म है, वो इल्म नफ्स है। ये कौन बताएगा? जो मासूम है, जिसने खुद अपनी तहजीब की है, जो हुसैन जैसा इमाम हो, जो ज़ैनुल आबिदीन हो, जो मोहम्मद अनिल मुस्तफा हो, तो सिर्फ इल्म नहीं, पहले अपने नफ्स की तहजीब करो, फिर इल्म हासिल करो। इल्म नाफे, दुनिया को उन आलिमों ने तबाह किया जिनकी तहजीब नहीं थी, जिन्होंने खुद को पाक नहीं किया, जिन्होंने खिलकत का मकसद नहीं समझा, उन्होंने कायनात को तबाह बर्बाद कर दिया। एटम बम किसी जाहिल ने बनाया था या आलिम ने? क्या गली कूचे में चप्पलें सीने वाला, रोड पे अंडा बना के बर्गर बनाने वाला, इसने दुनिया को तबाह किया था? ये पढ़े लिखे लोग हुक्मरान के अनपढ़ हैं, या आपके सेनेट में जो बैठे हुए सेनेटर ये अनपढ़ हैं? सारे पढ़े लिखे बीए एमए पढ़े 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 लिखे यही मुल्कों को तबाह करते हैं। क्या अमेरिका का जो सदर है वो अनपढ़ है? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन तहजीब नफ्स नहीं है। बंदा आलिम भी बन जाए, नबी की महफिल में भी रह ले, लेकिन अगर तहजीब न हो वो कातिले जहरा बन जाता है। असल जंग जंग तहजीब है। आदमियत का आगाज हुआ हाबील और काबील से। कुरान समझो, गौर करो, फिक्र करो, वक्त बहुत हो चुका। दो भाई हैं, एक बाप से पैदा हुए, भाई ने भाई को कत्ल किया। खुदा क्या बताना चाह रहा है? यानी कायनात की जो इब्तदा और स्टार्टिंग इतनी बुरी, इंतहा क्या होगी? खिलकत इंसान की इब्तदा कितनी बुरी है। पहले तो जद आदम ने वो जन्नत में वो काम कर दिया, अल्लाह ने यहां भेज दिया, फिर आते ही बच्चों ने क्या किया? भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। मतलब आते ही हैवानियत पे उतर गए, भूल गए कि हमें वहां से यहां भेजा क्यों गया। अब यहां पे अल्लाह ने सारा फलसफा फरमाया, मुसलमान तासुब न करना, नस्ल परस न बनना कि ये नबी का वो था, वो नबी का वो था, ये नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह कहते हैं नबी के दो बेटे भी हो ना, भाई भाई को कत्ल कर सकता है अगर उसके अंदर तहजीब नफ्स ना हो। तासुब इख्तियार न करना, अगर ये तासुब वाली बात होती खुदा अपने नबी के बेटों के किस्सों को बयान नहीं करते। आज नस्लों को मना करते हैं मुशाजरात सहाबा न पढ़ना, भाई क्यों न बताना फला साहबी ने फला साहबी के साथ, क्यों? कितनी अजीम हस्तियां हैं, कोई नबी के बेटे अजीम नहीं थे?
पहला दर्स तुम यही बच्चों को बताओ कि अजीम से अजीम शख्सियत के बेटे भी अगर नफ्स के गुलाम बन जाएं भाई को कत्ल कर देते हैं। अगर हाबील और काबील आपस में दुश्मन बन सकते हैं तो मैं अपने भाई का क्यों नहीं बन सकता। अगर नबी के दो बेटे एक वाकया नहीं यूसुफ के भाई हैं, भाई को जाके जाकर उन्होंने फेंक दिया, मारने की नीयत से गए कुएं में अपने भाई को फेंक दिया, भाई थे खूनी रिश्ता था लेकिन हसद की वजह से क्योंकि अपने नफ्स को पाक नहीं किया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सहाबी सहाबी को कत्ल करे कौन सी बड़ी बात है। जब अंबिया के बेटे अपना यह हाल कर सकते हैं क्योंकि तहजीब नफ्स नहीं है, तो यही खतरे आपके घर में मेरे घर में आ सकते हैं। मैं अपने भाई का दुश्मन बन सकता हूं, आपके भाई की बीवी आपकी बीवी आपस में दुश्मन बन सकती हैं, कजन आपस में दुश्मन बन सकते हैं, मोमिन मोमिन का गला काट सकता है, ये बईद नहीं है। पंजाब में एक जगह मजलिस हो रही थी, मजलिस में झगड़ा हुआ, मोमिन ने मोमिन को मार दिया और दोनों कजन थे आपस में। मजलिस से हुसैन में वो काम किया जो करबला में यजीद ने काम किया था, मार दिया। आज क्या हमारे एक दूसरे के गरीबानों में हाथ नहीं है? पहले तो बोलते थे वो अहले बैत का दुश्मन, आज हम एक दूसरे को दुश्मन दुश्मन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तहजीब नफ्स नहीं है। सिर्फ वाहवा करने से नारा मारने से कुछ नहीं होता। तबर्रा का मतलब यही है कि हर उस बुरी आदत से दूरी इख्तियार करो जिससे हुसैन ने मना किया है, और वो हर वो सिफत अपने अंदर पैदा करो जो करबला वालों के वजूद में थी। करबला इंसान साजी का मैदान है, अगर मजलिसों में आने के बाद भी हुर न बन सके तो लमान अल हफीज है, यहां के बाद भी अगर हिदायत न मिली फिर हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आइए दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें गुनाह की कैद से आजाद करें।